हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो सीरीज़ में रियल नंबर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो लास्ट फ्यू ईयर्स में, प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने वाला हूं. ओके, तो हर एक वीडियो जो रहेगा उसमें तीन से चार क्वेश्चंस मैं डालूंगा जो पिछले कुछ सालों में आए हुए हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए. थोड़े एडवांस क्वेश्चंस होंगे, बियॉन्ड एनसीईआरटी अगर आपको जाना है, आपको लगता है कि आपने एनसीईआरटी कर ली है और उसके अलावा आपको वेरिएशंस चाहिए कॉन्सेप्ट में, तो आप इन वीडियोस को जरूर देखिए और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए. तो लेट अस मूव ऑन अवर फर्स्ट क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन वैल्यू ऑफ एक्स इज गिवन, एक्स इज इक्वल टू 4 - √15 और हमें फाइंड करना है एक्स प्लस 1/x का वैल्यू. तो देखिए, एक्स का वैल्यू तो ऑलरेडी हमें गिवन है यहाँ पर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1/x की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं. सो 1/x इज इक्वल टू 1/4 - √15. ये एक्स का वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दिया. अब ये जो डिनोमिनेटर हमें दिख रहा है, ये डिनोमिनेटर एक इरेशनल नंबर है, तो हम इसे रैशलाइज करेंगे. और इसे रैशलाइज कैसे किया जाएगा, बिकॉज ये a माइनस बी का फॉर्म है, तो आप a प्लस बी से इसमें इंटू कर दीजिए. जैसे ये 4 - √15 है, तो आप इसमें 4 + √15 का इंटू कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में. ओके, सो 1/4 - √15 ये फॉर्म हमारे पास ऑलरेडी था, हम इसमें 4 + √15 का इंटू करेंगे. ओके, इतना होने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. 4 + √15 होल डिवाइडेड बाई, ये जो डिनोमिनेटर दिख रहा है आपको a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्म है, एंड वी नो दैट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो आप इसको रिप्लेस करके लिख सकते हैं यहाँ पर 4 square - √15 होल स्क्वायर. न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 4 + √15 दिस होल डिवाइडेड बाई 16 - √15 square is 15 एंड 16 - 15 is 1. तो फाइनली मेरे पास जो वैल्यू आ रहा है 1/x का, वो आ रहा है 4 + √15 whole upon 1. देर इज नो नीड टू राइट डाउन 1 इन डिनोमिनेटर, तो इसको हम लोग इसी फॉर्म में रिलीज कर देते हैं. नाउ x + 1/x. ओके, तो x की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में है 4 - √15, वो पुट कर दीजिए. 1/x आपने फाइंड आउट किया 4 + √15, +√15 - √15 सेम वैल्यू, अपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएगा. सो 4 + 4 = 8. तो ऐसे हमारे पास x + 1/x की जो वैल्यू आ रही है वो 8 आ रही है. इज दैट क्लियर? लेट अस मूव ऑन सेकेंड क्वेश्चन. In second question, it is given that x is equal to 2 + √3 and find the value of x² + 1/x². Students, examination point of view से बहुत important question है ये. Okay? बहुत important question है और उतना ही easy है, कुछ भी नहीं है. अगर आपको denominator को rationalize करने आता है तो ये question बहुत आसान है. Because इसमें भी x का value given है और यहाँ पे जो find out करना है वो x² + 1/x² का form दिख रहा है, तो हम यहाँ पे first of all हम यहाँ पर 1/x की value find कर लेंगे. 1/x जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था. सो 1/2 + √3 इसको इस फॉर्म में नहीं छोड़ना है, आपको मालूम है कि डिनोमिनेटर को रैशलाइज करना पड़ेगा. सो 1/2 + √3 तो इसको रैशनलाइज करने के लिए 2 - √3 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए. ठीक है, सो 2 - √3 1 × 2 - √3 is 2 - √3 अपॉन अगेन ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्म दिख रहा है आपको. सो 2² - √3² एंड 2 - √3 इज होल डिवाइडेड बाई 4 - 3. 2² is 4 - √3² is 3. अगेन 4 - 3 is 1. सो 1/x इज इक्वल टू 2 - √3 upon 1. ये तो आ चुका, बट हमें उसने क्या बोला, x² + 1/x² का वैल्यू फाइंड करने के लिए. आपके पास दो तरीके होते हैं, आप इस एक्सप्रेशन में x का वैल्यू पुट कर दीजिए और 1/x का वैल्यू जो हमने अभी फाइंड किया वो पुट करके स्क्वायर कीजिए, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी जाता है. तो उससे आसान तरीका ये है. ओके, इससे थोड़ा ईजियर वे मैं आपको बता रहा हूँ. x + 1/x² दिस कैन बी रिटन एज x² + 1/x² + 2 × x × 1/x. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हैं. सो x + 1/x²
माइनस टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। मैंने इस टू को इधर शिफ्ट किया, ओके, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर, और ये टू आपका इधर शिफ्ट हो गया, माइनस टू आ गया। तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर माइनस टू। आप इसको सीधा अप्लाई कर दीजिए, ये आपको समझाने के लिए बताया मैंने, बट ये एप्लीकेशन आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ओके, बिकॉज हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को यूज़ कर रहा हूँ मैं, सो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, नाउ वी हैव वैल्यू ऑफ एक्स टू प्लस रूट थ्री प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू आया हमारे पास टू माइनस रूट थ्री, ये वैल्यूज मैंने पुट की यहाँ पे, देन होल स्क्वायर माइनस टू, प्लस रूट थ्री माइनस रूट थ्री कैंसिल हो जा रहा है, टू प्लस टू इज फोर, सो फोर स्क्वायर माइनस टू, सिक्सटीन माइनस टू फोर्टीन। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 14 आ रहा है फाइनली हमारे पास, क्लियर है।